हेलो दोस्तों, आज अपने टूर का सेकेंड डे है और अपन पहुंच चुके हैं एक बड़े ही ऐतिहासिक जगह पे। ये जगह जो है शेरशाह से रिलेटेड है, जहाँ पे शेरशाह जो सासाराम है वहाँ पे लाइक शेरशाह का मकबरा है, ठीक है, टॉम्ब, और यहाँ पे उनका किला है। एक्चुअली वहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 40 to 50 किलोमीटर सुरंग था। वहाँ से ये शेरशाह जो थे यहाँ पे मतलब अपने घोड़े से सुरंग के द्वारा यहाँ पे आ जाते थे, ठीक है। और ये देखिए कितने ऊंचाई पे पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। वो जो पहाड़ के ऊपर दिख रहा है ना किला, वो शेरगढ़ किला उसको बोला जाता है एक्चुअली। सो शेरशाह अपने सुरंग के द्वारा उस किले पे आ जाते थे डायरेक्ट, ठीक है। तो भाई अगर देखने में आप देखिए कितना ये डेंजर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से खाई और भाई वो पहाड़ और वो रहा शेरगढ़ किला, ठीक है। और भाई धीरे धीरे मैं इस पहाड़ के करीब पहुंच गया और मेरे को बिल्कुल भी ये आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई ये पूरा पहाड़ ऐसे खड़ा है। हाँ जी भैया, हाँ किला पे जाना है, क्या बोल रहे हैं भाई? वहाँ पे पापा लोग हैं, हाँ थोड़ा सा घूम के आ रहे हैं। कितने का है? 20 रुपीज़। हाँ आके हम आपको दे देंगे, ठीक है दे दीजिए। तो यहाँ पे जाने के लिए जैसे कि यहाँ पे टिकट भी कटाना पड़ रहा है, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है। यहाँ पे भाई इस पे चढ़ने के लिए टिकट लग रहा है और अपन यहाँ से ले ले रहे हैं वापसी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जाने आने का अराउंड 1 घंटा लग जाएगा। सो यहाँ के बाद अपन जाएंगे दुर्गाती जलाशय, जो कि काफी खूबसूरत है, और वहां पे जाके अपन सीरियसली बहुत मजे करने वाले हैं। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये किला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 दोस्तों यकीन माने ये कोई शिमला मनाली या हिमाचल या कोई फॉरेन कंट्री नहीं है, ये हमारा बिहार है और ये हमारा गांव है, ठीक है। और इस खूबसूरती को निहारते मेरी आंखें सीरियसली थक नहीं रही है, और भाई मैं सच्ची मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ इस 2 दिन में मैं जानता हूँ, ठीक है। सीरियसली मेरे को बहुत मज़ा आ गया है और इस खूबसूरती को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई सच में बड़ी मज़ेदार प्लेस है। इवन मेरे को भी नहीं पता था कि अपना बिहार इतना खूबसूरत है। और मैं आपको बैकग्राउंड का सिनारियो दिखाता हूँ, और भाई ये पानी आप ये देखें भाई, इसमें स्टीमर भी चल रही है एक्चुअली। देखो स्टीमर वहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और मैं अब उस स्टीमर पे चढ़ने वाला हूँ, क्योंकि सीरियसली मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है भाई। और भाई आप ये लोग देखें, ये देखें मैं 360 डिग्री में घुमा रहा हूँ, और भाई इस खूबसूरती को देखें आप, कहाँ तक इंडोर है, बहुत लंबा है एक्चुअली ये डैम, ठीक है। और उसके बाद अपन चल रहे हैं उधर नाव पे बैठने के लिए, स्टीमर पे बैठने के लिए। भाई बोट पे अपन बैठ चुके हैं और सेफ्टी बेल्ट बन चुकी है, ठीक है। अब अपन सवारी जो है रेडी है जाने के लिए, और वेट कर अपन जाके बीच मझेदार में मजा आएगा। इतने सारे सपने क्या कहूं, किस तरह से मैं छोड़े छोड़े तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। और भाई एकदम मस्त अभी रिलैक्स होकर बैठ गया हूँ, और भाई अब पहुँचने वाले हैं अपन, ठीक है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। और भाई अब फिर से ये पहाड़ दिख रहा है, अब सीरियसली देखें, हाँ 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 ये फिर से पहाड़ दिखने लगा, और सीरियसली भाई सब लोग रिलैक्स होकर बैठ गए हैं और अब उतरने का इंतजार कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। और मैं तो भाई काफ़ी हैप्पी हूँ, और ये बच्चा भी हैप्पी है भाई, हाँ वो तो आया है। देखो भाई सारे लोग काफ़ी मजा आ गया है।
और मेरा YouTube पर आप देख लीजिएगा चैनल विवेक ब्लॉगर, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को भी। ये बिहार का बेहतरीन जगह है भाई, बताइए ये कौन सा जगह है, बताइए भाई। ये अपना बिहार है, ये अपना बिहार है भाई, ठीक है। ये कोई हिमाचल शिमला या सिंगापुर नहीं है, अपना बिहार है ये। आगे जाएगा तो गुप्ता धाम मिलेगा। भीतर क्या है पता, हवा ले ही जाए तेरी हो, खींचे तेरी यादें, तेरी यादें तेरी हो। छुटिरे 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 छुटिरे। और फाइनली भाई अपन माता के दरबार में पहुंच गए हैं, पनारी घाट, जहां पे अपन आने के लिए निकले थे। और आज सेकेंड डे है और आज भी शाम हो गया है, लेकिन अपन फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे अपन को आना था। ये पनारी माता का मंदिर है, ठीक है। और अपन यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे दर्शन वर्शन सही से कर लिए। अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे लाइक सावन आवन में भीड़ रहता है, जब यहाँ पे से लोग गुप्ता धाम जाते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा गुप्ता धाम जाने का रास्ता है। यहाँ से ही जाता है ये रास्ता, होके निकल जाता है। थोड़ा सा अंदर जा कर देखते हैं कि मतलब कैसे कैसे जो है पूरा पहाड़ के ऊपर गुप्ता बाबा बसे हुए हैं, ठीक है, बाबा भोलेनाथ। तो भाई साहब देखिए कैसे पूरे कंकड़ पत्थर से भरा हुआ रास्ता पहाड़ से जाता हुआ बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाता है ये रास्ता। और वहाँ पे बाबा भोलेनाथ का नाग का ये बना प्रतिमा बना हुआ है, ठीक है। और भाई जस्ट देखें यहाँ पे कि कैसे लोग पत्थर कंकड़ को चीरते हुए बाबा भोलेनाथ पर बसे हुए हैं, और लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं, पहाड़ों पे भी मात देते हैं लोग।